Sorcery teacher Kumar Paras. It is the second part of this video. ये वीडियो का सेकंड पार्ट है. आप सभी ने फर्स्ट पार्ट तो देखा ही होगा. अगर नहीं देखा हो तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, तभी ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा. ओके तो हमने इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी लर्नड नरेटर गॉर्डन कुक, हिज वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 स्टार्टेड ए सी वॉयज टू कवर दैट लॉन्ग ट्रैक विच वॉज वंस कवर्ड बाई कैप्टन जेम्स कुक अबाउट 200 ईयर्स अगो. They had two crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Hub Seeler. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तब मुझे याद आया कि chart room floor, chart room के फर्श के नीचे हमारा दूसरा बिजली का पंप है. I connected it to an out pipe और मैंने उसे out pipe से connect किया and was thankful to find that it worked. और मैंने धन्यवाद दिया कि कम से कम ये काम तो कर रहा है. The night dragged on with the endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. और रात बहुत लंबी खींची, बहुत ठंड थी, पानी निकालने, जहाज को चलाने और रेडियो का काम करते रहना जारी रखना पड़ा. We were getting no replies, हमें कोई जवाब नहीं मिला to our mayday calls. Mayday calls क्या होता है viewers? Mayday calls कहते हैं ऐसे जहाज जो संकट में फंसे हुए होते हैं, वो अपने अड़ोस पड़ोस के जहाजों को जो संकेत देते हैं उसे मेडे कॉल्स बोलते हैं. तो राइटर कहता है वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स, हमें मेडे कॉल्स करने का प्रसारण संदेश प्रसारित करने के बावजूद हमें अन्य जहाजों से कोई उत्तर नहीं मिला. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, इसमें कोई हैरत की बात तो थी नहीं. इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम संसार के एक बड़े रिमोट कॉर्नर में थे, एक निर्जन से एक वीराने में थे, तो अगर कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा था किसी शिप से तो इसमें कोई हैरत की बात, आश्चर्य की बात नहीं थी. स्यूज हैड सोलिंग अलार्मली, और सुजैन का जो सिर था वो भयानक रूप से सूज गया था. शी हैड इनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी दोनों आंखें काली और बड़ी हो गई थी. एंड नाउ शी शोड अप डीप कट ऑन हर आर्म, और तब उसने मेरे को अपनी आर्म में, अपनी बाह में जो एक कट था वो दिखाया, चोट दिखाया. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने अपनी पहले मुझे ये चोट क्यों नहीं दिखाई, इस चोट के बारे में पहले मुझे क्यों नहीं बताया, she replied, उसने जवाब दिया, I didn't want to worry, मैं आपको चिंता में डालना नहीं चाहती थी. I didn't want to worry you when you were trying to save us all, मैं आपको समय चिंता में डालना नहीं चाहती थी जब आप हम सबको बचाने में लगे हुए थे. By morning on January 3rd, 3 जनवरी की सुबह तक the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. पानी के स्तर को 3 जनवरी की सुबह तक पानी के स्तर को काफ़ी नियंत्रण में कर लिया था और हम बारी बारी से रोटेशन से दो दो घंटे आराम कर सकते थे. But we still had a tremendous leak somewhere. लेकिन पानी के नीचे तल में कहीं बहुत बड़ी अभी भी लीक बाकी थी. ऑन चेकिंग और निरीक्षण करने पर आई फाउंड, मैंने पाया, राइटर कहता है, दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द नी. लगभग जांचने पर राइटर कहता है मैंने पाया कि लगभग सभी नावों के मुख्य मुड़े हुए ढांचे के नीचे के पेंदे चकनाचूर हो गए थे, जो उनके रिप्स थे वो बिल्कुल खराब हो गई थी. इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हुलक्स एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशन. वास्तव में अलमारियों के कुछ खानों के सिवाय जहाज के मुख्य भाग के स्टारबोर्ड के सारे सेक्शन को कोई चीज थामे हुए नहीं थी, वो सब चकनाचूर हो चुके थे, बेकार हो चुके थे. वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, और वेव ने, जो लहरों ने हिट करा था, तमाशा मचाया था, एक तूफान मचाया था, उसको 15 घंटे बीत चुके थे, यानी उस तूफान के बाद लगभग 15 घंटे हो चुके थे और हम जीवित थे. बट वेव वॉकर वुडेंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन वेव वॉकर में अब इतनी क्षमता नहीं बची थी कि वो हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया तक ले जा सके. आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट, मैंने अपने चार्ट का निरीक्षण किया
और गणना की, कैलकुलेट करा, दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कि ईस्ट में पूर्व में कुछ 100 किलोमीटर्स पर दो आइलैंड्स, दो द्वीप जो हैं वो हैं, दो छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम इल एम्स्टर्डम, और उनमें से एक इल एम्स्टर्डम था, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों का एक बेस था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन दिस वास्ट ओशियन, हमारी केवल जो एक आशा थी, उम्मीद थी, वो यही थी कि केवल हम इस इतने बड़े इस विशाल महासागर में इन छोटे छोटे द्वीपों तक, उभारों तक पहुंच जाए। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। और पर जब तक हवा और समुद्र शांत नहीं हो जाते और हम जहाज नहीं चला सकते थे, वास्तव में हमारे पास अवसर बहुत ही कम थे या कम रहे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और उस बहुत बड़ी वेव ने, उस तूफान ने हमारे इंजन को भी बेकार कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, और 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद, लगातार पानी बाहर निकालने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, नाव में कुछ सेंटीमीटर ही पानी रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग, अब तो हमें सिर्फ इतना ही पानी निकालना था जितना कि उस होल से अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सी एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑन द होल अपार्ट, और क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि जो हवा का प्रेशर था वो जो मुख्य मस्तूल था उसको और खराब कर देता, और क्षतिग्रस्त कर देता, और डैमेज कर देता। सो वी हॉइस्टेड द स्ट्रॉन्ग जिब, इसलिए हमने क्या करा, हमने छोटा सा तिकोना पाल फहराया एंड हेडेड, और चल पड़े किधर की ओर, फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, जिधर मैंने सोचा था कि दो द्वीप उधर होंगे। मैरी फाउंड सम कॉर्नर सम पॉन्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, और मैरी जो है कुछ मांस और करारे बिस्किट, मीट जो है और करारे बिस्किट लेके आए। वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने अपने 2 दिन में हमने अपना पहला मील, पहला भोजन लिया था। बट अवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारा जो आराम था वो बहुत देर चलने वाला नहीं था, वो थोड़ी देर के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, काले बादल हमारे पीछे बनना प्रारंभ हो गए। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 knots, और 1 घंटे के भीतर ही 40 नॉट की रफ्तार से हवा चलने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरिएट, और मौसम लगातार खराब होता जा रहा था थ्रू आउट द नाइट और रात्रि तक। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5 और 5 जनवरी के सुबह प्रातःकाल तक अवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट, हमारी परिस्थिति, हमारी हालत दोबारा से निराशाजनक हो चुकी थी। व्हेन आई वेंट इन टू द कम्फर्ट टू द चिल्ड्रन, और जब मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए भीतर गया, जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम मर रहे हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, और मैंने उसे सांत्वना देने का, भरोसा दिलाने का कोशिश करी कि हम बचने में सफल हो जाएंगे। उसने क्या कहा, जॉन ने क्या कहा, व्यूअर्स ध्यान से सुनिएगा। बट डैडी ही वेंट ऑन, वो आगे कहते गया, बट डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी साथ साथ रहें, यू एंड मम्मी सू एंड आई, आप मम्मी सू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड विद विच टू रिस्पॉन्ड, राइटर कहता है मेरे पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केविंग डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन राइटर कहता है मैं जब बच्चों की केविन से बाहर आया तो मेरे मन में एक डिटर्मिनेशन था, एक दृढ़ निश्चय था कि मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं समुद्र से लड़ूंगा, आई विल फाइट। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड, और कमजोर हुए
स्टारबोर्ड की रक्षा के लिए, उसकी साइट की रक्षा के लिए आई डिसाइडेड टू हैव टू विद द अंडर डैमेज पोर्ट वेल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स, अंदर आने वाली वेव्स को रोकने के लिए उसने क्या निश्चय किया, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, उसने काम चलाओ एंकर बनाने का, एक लंगर बनाने का निश्चय किया ऑफ हैवी नायलॉन रोप, भारी नायलॉन की रस्सी एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन और 22 लीटर प्लास्टिक के पैराफिन के ड्रम के साथ उसने निश्चय किया मैं इसका लंगर, एक काम चलाओ लंगर बनाऊ। That evening, Mary and I sat together holding hands, writer कहता है, उस शाम Mary और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ साथ बैठी। As the motion of the ship brought more and more water in through broken planks, और जहाज के टूटे हुए तख्तों से ज्यादा पानी अंदर की ओर आ रहा था। We both felt the end was very near, हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा अंत जो है बहुत निकट है। But wave walker rode out the storm, लेकिन वेव वॉकर तूफान को पार कर गया। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 और 6 जनवरी की सुबह तक विद द विंड ईजिंग, हवा भी कम हो गई। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने सेक्सटेंट पर गणना लेने का प्रयत्न किया, इंस्ट्रूमेंट है, बैक इन द चार्ट रूम, और वापस मैं चार्ट रूम में गया। आई वर्क्ड ऑन विंड स्पीड, मैंने विंड स्पीड पर, हवा की गति पर, चेंजिंग ऑफ कोर्स और मार्ग के परिवर्तन पर, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजिशन, और विचलन और धारा को पर काम किया और अपनी स्थिति का कैलकुलेट किया, आकलन किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और जो उसने आकलन किया, कैलकुलेट करा, वो ये कैलकुलेट करा कि वे लोग उस समय 150,000 किलोमीटर भीतर महासागर में किसी स्थान पर हैं और वे 65 किलोमीटर चौड़े एक आइलैंड, एक द्वीप की तलाश कर रहे हैं। ओके, व्हाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली, सुजैन को शॉर्ट में स्यू बोला गया है, स्यू मूविंग पेनफुली जॉइंट में, सो कष्टदायी अपनी स्थिति में हमारे पास आई चलते। शी लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सॉलिड, उसके लेफ्ट साइड हेड का लेफ्ट साइड बहुत सूजा हुआ था, एंड हर ब्लैकेंड आई नैरो टू स्लिट्स, और उसकी आंखें जो हैं सिकुड़कर बहुत बारीक हो गई थी, अर्थात उसे बहुत कम दिखाई दे रहा था, आंखें वॉज सॉलिड, सूजी हुई थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मेरे को एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। On the front she had drawn caricature of Mary and me with the words, और उस कार्ड के फ्रंट पर, सामने पर उसने मेरा, राइटर कहता है मेरा और मेरी वाइफ मैरी का एक हास्यपद एक चित्र बनाया था, फनी साइड कैरिकेचर खींचा था। Here are some funny people, और नीचे उसने लिखा था यहाँ पर कुछ फनी टाइप के लोग हैं। Did they make you laugh, क्या उन्होंने आपको हंसाया? I laughed a lot as well, मैं तो बहुत हंसी। Inside was a message, उसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था, एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, ओ मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अतः ये कार्ड आपको धन्यवाद देता है और आप अच्छे की उम्मीद करें। समहाउ वी हैव टू मेक इट, और किसी तरीके से हमें ये पूरा करना है। आई चेक इन रीचेक इन माई कैलकुलेशन, राइटर कहता है मैं बार बार अपनी गणना को, कैलकुलेशन को चेक कर रहा था। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। वो राइटर कहता है जो हमारी मेन कंपास थी वो कहीं खो गई थी जो तूफान आया था उसमें, और एक हमारे पास एक्स्ट्रा कंपास रखी हुई थी लेकिन उसका मैग्नेट, उसके अंदर मैग्नेटिक वेरिएशन था, और यानी वो कंपास पूरी तरीके से सही नहीं थी। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean. और राइटर कहता है मैंने जो है इस बात की गुंजाइश रखी थी कि हिंद महासागर के इस भाग में बहने वाली पश्चिम जो हवाएं थी उनके असर को आकलन करने के लिए इस कंपास को मैंने जो है रख रखा, हालांकि उसको वो पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं था।
अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक. राइटर कहता है लगभग दोपहर 2 बजे मैं डेक पर गया एंड आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री इफ यू वर लकी. और लैरी से कहा जहाज को 185 डिग्री पे घुमाने के लिए और साथ में कहा कि अगर हम लकी हुए. आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 कि अगर हम लकी हुए तो 5 बजे तक हमें आइलैंड देखने को मिल जाएगा. हालांकि राइटर कह रहा है उसे मन में खुद विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है. क्यों? क्योंकि कंपस जो था वो एक्यूरेट नहीं था. देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो तो कह रहा बड़े भारी मन के साथ मैं नीचे गया. क्लाइम डाउन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज ऑफ और मैं अपने रैक पर अपने चढ़ के लेट गया और बड़े हैरत की बात आशीर्वाद की मुझे नींद दिया ऊन लगा. व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM और राइटर कहता है जब मैं जागा तो उस समय शाम का 6 बज गया था एंड ग्रोइंग डार्क अंधेरा हो गया था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड और मुझे विश्वास था हमने आइलैंड को कहीं ना कहीं मिस कर दिया. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली वे. और साथ में ये भी था कि क्या नाम जो हमारे पास पाल रह गया था उस पर हम पश्चिमी पवनों के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ सकते थे. अब उसे ऐसा विश्वास था कि वो आइलैंड पर नहीं पहुंच पाई. एट दैट मोमेंट ए टाउजल हेड अपीयर्ड बाई माई बंक और उस समय एक अस्त व्यस्त वाला बालों वाला सर झांकता हुआ दिखाई दिया. कैन आई हैव ए हग जॉनथन आज वो जॉनथन था उसका बेटा. उसने पूछा डैडी कैन आई हग क्या आपको मैं हग कर सकता हूँ आपको मैं सीने से लगा सकता हूँ. सो वॉज राइट बिहाइंड और सुजैन उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी. वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ आई आस्क्ड तो मैंने कहा अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाई मेरे बेटे ने जवाब दिया क्योंकि आप इस संसार के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो. नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड और मैंने कहा क्या नाम नॉट टुडे आज नहीं जॉन पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगा. वाई यू मस्ट बी सैट सू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस यू फ्रॉम द आइलैंड्स और क्यों नहीं आप हो सू ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा. अरे आपने द्वीप ढूंढ लिया है. वॉट आई शाउटेड मैं चिल्लाया क्या. इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस द कोर्स डे एज ए बिग बैटल शिप वो एक साथ चिल्लाए क्या चिल्लाए वो कि देखिए तो ये हमारे सामने है और कैसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा जो है युद्ध का जहाज हो युद्ध पोत हो. आई रेस्ट ऑन द डेक मैं भाग कर डेक पर गया एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम और आइल एम्स्टर्डम की आउटलाइन की वह की दूर से जो आउट एम्स्टर्डम दिखाई दे रहा था उसको मैं देखने लगा. इट वॉज ऑनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक और ये कैसा लग रहा था ये ज्वालामुखी के पत्थर का एक उजाड़ सा टुकड़ा था विद लिटिल वेजिटेशन जिसमें थोड़ी बहुत जो है वनस्पति थी ना मात्र द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड्स इन द वर्ल्ड और कह रहा हूँ मेरे लिए तो परंतु उस समय ये संसार का सबसे खूबसूरत आइलैंड था सबसे खूबसूरत द्वीप था. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट और हमने तट से दूर पूरी रात लंगर डाले रखा एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड्स चीयर्ड एज दे हेल्ड अस अशोर और सुबह के समय अगली प्रातः द्वीप के 28वें निवासी द्वीप में रहने वाले 28वें वासी ने हमारा साहस बढ़ाने के लिए हमारा स्वागत करने के लिए वो आए और हमें अपने साथ ले गए. विद लैंड अंडर माई फीट अगेन और फिर से धरती पर खड़ा होने के पश्चात माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी मेरे विचार जो थे मैं सोचने लगा लैरी और हर्बी के बारे में. चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डियरेस्ट स्ट्रेस जो सबसे ज़्यादा संकट के समय में भी क्या भयानक समय में भी कैसे थे खुश थे और आशावादी रहे थे. एंड ऑफ मैरी और अपनी पत्नी मैरी के बारे में हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स जो उस संकट के समय में व्हील पर शिप के व्हील पर खड़ी रही. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल और सबसे ज़्यादा मैंने 7 वर्ष की उस लड़की के बारे में सोचा हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी जिसने हमें अपने हेड इंजरी के बारे में नहीं बताया चोट के बारे में हमें पर नहीं बताया कि जिससे कि हम परेशान ना हो जाएं.
which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. और बाद में उसकी स्किन और स्कल, उसके सिर स्किन, उसकी चमड़ी और सिर के बीच में बार बार होने वाले ब्लड क्लॉट को निकालने के लिए 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े थे। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और मैं सोच रहा था राइटर के रहा है उस 6 साल के छोटे बच्चे के बारे में जो मरने से नहीं डरता था। व्हाट ए वंडरफुल स्टोरी, क्या खूबसूरत कहानी है। वास्तव में गॉर्डन बुक और एलन ईस्ट ने एक बड़े एडवेंचरस स्टोरी को लिखा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन करा है। ऐसा लग रहा था पूरा वॉइज हमारी आंखों के सामने, पूरा इंसिडेंट हमारी आंखों के सामने घटित हुआ। छात्रों कैसी स्टोरी लगी बताइएगा जरूर। जल्द ही मैं आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पर वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर आपने अभी तक केपी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे ग्रामर, एकेडमिक, स्पोकन इंग्लिश, बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, जो भी वीडियोज बन रही हैं वो आप तक पहुँच सके। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओके।